हे गाइस, सो मैं अभी हूँ बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पे। पीछे हमारी ट्रेन है एंड मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली। तो दिल्ली जाके कहाँ जाऊँगा ये आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। बांद्रा से ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए शाम को 5:30 बजे और सुबह वो 10 बजे तक पहुँचा देती है। किराया है 1000 रुपये के आसपास। गरीब रथ है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, आप मस्त अपना पहुँच जाते हो दिल्ली। तो हाय गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग ऋषिकेश की बस पकड़ेंगे तो जाएंगे कश्मीरी के। बस ऋषिकेश हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। निज़ामुद्दीन से उतर के हम गए सराय काले खां साइड और 150 रुपये में हमने ऑटो कर लिया कश्मीरी गेट बस स्टैंड के लिए। हम लोग शायद मुजफ्फरनगर के थोड़ा आगे हैं। बस हमारी थोड़ी सी ब्रेक ली है, रोड कंडीशन काफ़ी सही हो गई है। हम लोग बस 12:30 के राउंड निकले थे, अभी 3:30 के हो रहे हैं। 5:30 तक पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। तब तक इसी ऋषिकेश कुछ 613 रुपये लगते हैं। कंफर्टेबल सवारी होती है वॉल्वो की एंड आप 5 to 5:30 hours में पहुंच जाते हो ऋषिकेश। रास्ते में आपको हरिद्वार दिखता है, गंगा जी, अच्छा लगता है। हाय गाइस, तो कल हम लोग पहुंचे थे 8:00 के आसपास ऋषिकेश। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कल थोड़ा होटल मिलने में दिक्कत हो गई थी तो कुछ लेट हो गया था तो इसलिए कुछ मैं बना नहीं पाया। बट हाँ, थोड़ा इधर उधर गए थे, मुनिकीरेती की तरफ गए थे, रामझूला गए थे। अब भी हमने यहाँ से बस पकड़नी है गुप्त काशी की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके से गुप्त काशी कुछ लगते हैं 5 घंटे। आप पहले आइएगा देवप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद रुद्रप्रयाग और उसके बाद गुप्त काशी। कुल 5 प्रयाग हैं पूरे उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, उसमें से 2 हमारे रास्ते में पड़ते हैं। ये हमारे बस आगे स्कॉर्पियो नगर में रुके। और ये हम निकले रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में दरअसल मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का समागम होता है जो आगे चल के गंगा कहलाती है। अलकनंदा के साथ जाइएगा तो आप बद्रीनाथ पहुँचे आइएगा और मंदाकिनी के साथ केदारनाथ। तो हम चल पड़े केदारनाथ। मंदाकिनी नदी के साथ चलते चलते हमें उतना रास्ते का पता नहीं चल रहा था, लेकिन जितना हमने सोचा था रास्ते पे लैंडस्लाइड का कुछ दिखेगा उतना दिखा नहीं। 4 धाम के कारण रोड भी काफ़ी सही हो रखे थे तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ, 4 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्त काशी। अभी यहाँ पे हम लोग अपना ढूँढने जा रहे हैं गेस्ट हाउस, हमने बुकिंग की है, चलना पड़ रहा है, ओबियसली चढ़ाई ये सामान है। बट ठीक है, पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपको अपडेट देता हूँ क्या है कैसे। बस ने जहाँ छोड़ा वहाँ से 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुँच गए हैं। जाके देखने के हमारी बुकिंग है कि नहीं। मैं का व्यू देख सकते हो, चौखंबा है सामने, बादल से ढका हुआ, वहीं का व्यू है। गुप्त काशी में हैं हम, अभी पहुँच गए हैं और अभी थोड़ा सा देखने निकले हैं कि यहाँ पे एक विश्वनाथ मंदिर है तो वहाँ देखने जा रहे हैं। उसके बाद बताते हैं आपको आगे का हाल। बाकी सिटी बहुत ही सुंदर है। ये है मेरे ट्रैवलर साथी, मेरी वाइफ, मदर इन लॉ। तो अभी मैं गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ विश्वनाथ मंदिर कितना
प्यारा बना है। ये एंट्रेंस है इनका, ये एंट्रेंस चालू होता है और घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये कुंड। ये जो कुंड है इसमें कहते हैं कि ये जो मणिकर्णिका कुंड है इसमें ये यमुना जी हैं और वो गंगा जी हैं और इन दोनों का पानी जो है मिल के यहाँ से निकलता है, नदी जो है। और ये कहते हैं कि यहाँ पे जब पांडव आए थे स्वर्ग के रास्ता के लिए तो उन्होंने शिव जी की पूजा की थी और शिव जी ने यहाँ पे गुप्तवास किया था, इसलिए इसका नाम गुप्त काशीपुर। ये अर्धनारेश्वर मंदिर है और ये बाबा विश्वनाथ मंदिर है। ये अर्धनारेश्वर मंदिर है गुप्त काशी का। कहते हैं शिव जी के मंदिर को क्रॉस नहीं करते इसलिए मैं चारों तरफ घूम नहीं सकता, बट हाँ यही इस मंदिर का प्यारा सा प्रांगण है।